Hey, hello, what's up, public? Welcome back to अपुन का YouTube channel DBM, बोले तो डाइंग पर मुंह। So guys, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे छोटे से प्यारे से ब्लॉगिंग चैनल पे। So, जिसने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि हम आ चुके हैं उदयपुर। Yes guys, तो हम लोग आ चुके हैं मुंबई से उदयपुर, उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए, उदयपुर टूर करने के लिए। तो पहले ब्लॉग में आप लोग ने देखा हम लोगों ने उदयपुर का थोड़ा बहुत नाइट एक्सप्लोर किया है, फिर मैंने आप लोग को मॉर्निंग व्यू दिखाया यहाँ का, जो हम लोग बाहुबली हिल्स पे गए थे। तो आज है डे टू। आज डे टू में हम लोग का प्लान है सबसे पहले जैसे सिटी पैलेस, लेक पहले, फिर बाद में सज्जनगढ़ फोर्ट, ये सब जगह हम लोग को थोड़ा कवर करना है, थोड़े बहुत यहाँ पे लेक से आजू बाजू में वो सब कवर करना है। तो हम लोग ने अपना रूम हम लोग ने चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग ने वही किया, 11 बजे हम लोग ने एक्चुअली वो रूम से चेकआउट किया एंड सीधा अभी हम लोग ने यहाँ पे 11:30 बजे चेक इन कर लिया है। तो हम लोग थोड़ा लेट चल रहे हैं बिकॉज 12 बज गए अभी लगभग, और हम लोग का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, अब से घूमना है। तो अभी सब लोग एकदम तैयार है, रेडी है, बस तो अभी निकल पड़ते उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखते हैं आज क्या क्या हम लोग कवर कर पाते, तो चलिए शुरू करते। सो गाइस, जैसे हम लोग होटल रूम से निकलते डायरेक्ट आ चुके हैं सिटी पैलेस, जो कि हमारे होटल रूम से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। और ये जो लेन है गाइस आपसे एक्सप्लोर सामने, ये है सिटी पैलेस का गेट जहाँ से अभी हम लोग एंटर करने वाले। और ये है कुछ गाइस यहाँ का टिकट फेयर, 400 रुपीज़ यहाँ पे पर पर्सन का चार्जेस है। बड़ा कॉम्प्लेक्स घूमना चाहते हो, अंदर से नहीं घूमना चाहते हो, तो बाहर से घूमने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे चार्जेस है। तो हम लोग ने दो कॉम्प्लेक्स का टिकट लिया है 50 रुपीज़ वाला, बिकॉज अंदर आप सिटी पैलेस घूमोगे तो आपको 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए प्रॉपर सिटी पैलेस घूमने के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे बाइक वगैरह कार वगैरह के लिए अच्छी खासी पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। 50 रुपीज़ यहाँ पे बाइक पार्किंग चार्जेस है एंड 100 या 200 रुपीज़ समथिंग फोर व्हीलर का पार्किंग चार्जेस है। बस उसी के बाजू में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो मेन एंट्रेंस है, यहाँ से ही आपको एंट्रेंस करना है द मेन सिटी पैलेस के लिए। तो सिटी पैलेस वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस माना जाता है राजस्थान, एंड एक लगभग अराउंड 1553 में बना था, अराउंड 400 ईयर्स से भी ज़्यादा पहले। तो यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, बहुत सारे राजाओं ने चेंजेस हुए। अगर आप सिटी पैलेस घूमना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये कार भी मिल जाती है जिसमें आप घूम सकते हो। तो हम लोग को यहाँ पे अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बिकॉज हमने जो ली टिकट लिए वो लिए 50 रुपीज़ वाली। बड़ा बाहर से देख सकते हो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि आई थिंक 50 रुपीज़ हमारे बाहर ही पूरे वसूल हो जाएंगे, जो हम लोग इसमें अभी पूरा घूमने वाले। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो हॉर्स वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो यानी इन शॉर्ट यहाँ पे हॉर्स पार्किंग भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अंदर घोड़े वगैरह भी रखे हुए, सब हॉर्स के यहाँ पे नाम भी रखे हुए हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने 50 रुपीज़ वाली टिकट ही हम लोग कितना घूम रहे हैं। 50 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ यहाँ पे अंदर बाहर कॉम्प्लेक्स में घूमने मिल जाता है। अगर हम लोग सोचो 450 वाली रहती, 400 वाली टिकट, तो कितना अंदर हम लोग तो पूरा मेरे से 3-4 घंटा इधर ही जाता, बिकॉज ये 50 रुपीज़ वाली टिकट ही हम लोग कब से 1.5 घंटे से हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं। अभी भी पूरा कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को और भी शो करता हूँ। अभी भी सिटी पैलेस भी हम लोग घूम ही रहे, अभी हम लोग कब से चल रहे गाइस, बट अभी भी सिटी पैलेस खत्म नहीं हुआ है और अंदर ही अंदर अभी ये हम लोग को सीधा लेके जा रहा है अलग, देख सकते हो अलग वे में, जहाँ से बोट वगैरह राइड शुरू होती है लेक पिछोले की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो लगी हुई है। तो बस यहाँ से हम जैसे नीचे उतरे हम लोग सीधा पहुँच जाएंगे लेक के साइड में, जहाँ से लेक वगैरह, लेक के बोटिंग वगैरह होती है। एंड यहाँ से जो आपको व्यू देखने मिलेगा वो आपका लग पैसा वसूल व्यू होने वाला है, बिकॉज देख सकते हो आप यहाँ पे लेन देखिए सामने का, एंड सामने का व्यू देखिए, रोड यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड सामने है ताज होटल जो हम लोग देख रहे थे। वहाँ उसके बाद ये है लेक पिछोला, प्रॉपर वाला आपको व्यू मिल रहा है।
तो गाइस जस्ट हम लोग ने जैसे ही सिटी पैलेस ख़त्म किया है, हम लोग बढ़ रहे हैं अभी सज्जनगढ़ पैलेस की तरफ। यस गाइस जस्ट हम लोग का सिटी पैलेस ख़त्म हो चुका है, अब ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है सज्जनगढ़ पैलेस। तो सज्जनगढ़ पैलेस वहाँ से हम लोग को लगभग कुछ था 20 किलोमीटर्स के अराउंड, पर हम लोग ने जो हमारी स्कूटी हायर किया है उस वजह से हम लोग को कनेक्टिविटी बहुत ईजी पड़ रही है, बिकॉज हम लोग का ट्रैफिक वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम बच जा रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। या सज्जनगढ़ फोर्ट में गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे टिकट लेना होगा, यानी यहाँ पे आप ये देख सकते हो पार्किंग वगैरह है, बट आप अंदर भी लेके जा सकते हो इसको बाइक एंड कार को। तो 110 रुपीज़ समथिंग यहाँ पे सज्जनगढ़ फोर्ट का पहले आपको टिकट निकालना होता है। तो यहाँ पे आप पहले आके अपना टिकट निकाल लो, इसके बाद 3 किलोमीटर अंदर की तरफ आपको सज्जनगढ़ पैलेस होता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस, और गाइस यहाँ पे आप क्राउड देखिए सब, यहाँ पे जो हवा चल रही है गाइस, व्यू चेक करो। मेन यहाँ पे जो सज्जनगढ़ पैलेस की जो खासियत है, आपको यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है, आपको यहाँ से पूरा का पूरा उदयपुर सिटी देखने मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जो फ्रेश एयर मिल रही है, मीन्स ये है पैसा वर्थ है यहाँ पे आना। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपने देखा होगा सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे उन लोगों ने लगभग छोटा एक म्यूज़ियम ही बना दिया है बर्ड्स के रिलेटेड, बर्ड्स के बारे में बहुत सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो अगर आप कभी आते हो तो आपको अगर बर्ड्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी ये सब चीज़ें भी। एंड गाइस बस हम लोग ने जैसे ही ये सब चीज़ें ख़त्म की, हमारे सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ आ चुके हैं एंड ऑफ द डे, जहाँ पे हम करना है बोटिंग। हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले बोटिंग, जो कि हम लोग आए पिछोला लेक पे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे बोट हमें मिलेगी। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि पहले तो यहाँ पे आधा पौना घंटे का वेटिंग होता है, उसके बाद में यहाँ पे आपको मैं बोटिंग का टिकट प्राइस बताता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको 180 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे आपको पे करना होता है बोटिंग के लिए। एंड यहाँ आपको लगभग कुछ 20 मिनट्स अराउंड आपको पूरा लेक घुमा के लेके आते हैं, जो वहाँ पे आप वाइट कलर का ताज होटल देख रहे थे वहाँ से यू टर्न मार के आपको आने मिलते हैं। आप लाइन चेक करो गाइस, इतनी लंबी लाइन है, अभी लगभग शाम के 6 बज रहे, सब लोग यहाँ पे अभी बोटिंग के ही मज़े लेने के लिए आए। आप लाइन चेक करो, ये हमारी लाइन पे यहाँ पे लोग खड़े हैं भाई लोग, एंड उसके आगे भी लाइन लगी हुई है। तो लगभग मैं आपको जैसे बताया हाफ एन आवर तो आपको यहाँ पे जाने ही वाला है आराम से, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। एंड ये यहाँ के फेयर्स, अगर आपको चाहिए कोई सोफ़ा वाली बोट तो आपको 360 रुपीज़ पे करना होगा, एंड आपको अगर चाहिए नॉर्मल बोट तो आपको 180 रुपीज़ पे करना होगा।
गाइस ब्लॉग खत्म होने वाला है हमारा एक रूफ टॉप सीन के साथ, बिकॉज अब बारी है रात के डिनर की। तो हम लोग ने डिसाइड किया रूफ टॉप होटल में खाना खाएंगे। तो बस गाइस यहाँ पे खाना खा के हम चले जाएंगे अपने होटल में एंड आराम से सो जाएंगे।